जब देश चुनाव के मुहाने पर आकर खड़ा है तो भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी की हर संभव कोशिश है मुद्दों से बरगलाने की, लेकिन चुनाव 2024 तो सिर्फ और सिर्फ युवाओं के भविष्य पर ही होगा, उनके साथ जो धोखा किया गया पिछले 10 सालों में उसका अंत करने के लिए होगा। और ये परचम, ये बीड़ा खुद राहुल गांधी ने उठा लिया है। तो आज कांग्रेस पार्टी ने और राहुल गांधी ने युवा न्याय के अंतर्गत 5 बड़े वादे किए। भर्ती भरोसा, आपकी पहली नौकरी पक्की, पेपर लीक से राहत, गिग वर्कर्स के लिए सामाजिक सुरक्षा और युवा रोशनी। एक एक करके समस्या क्या है, क्यों उसको लाना पड़ा और कितने लोग इसके बेनिफिशियरी रहेंगे, उसके बारे में ब्रीफ में चर्चा कर लेते हैं। भर्ती भरोसा, भर्ती भरोसे के अंतर्गत जो 30 लाख सरकारी पद पूरे देश में खाली पड़े हुए हैं, उन रिक्त पदों को भरने का काम कांग्रेस की सरकार बनते ही करेगी। ये पद आईआईटी में, एम्स में, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में, स्टेट यूनिवर्सिटीज में, पुलिस में, आर्मी में, हेल्थ सेक्टर में, बहुत सारी जगहों पर खाली पड़े हैं। इसको भरने से 30 लाख लोगों को नौकरी तो मिलेगी ही, साथ ही जो दलित, आदिवासी, पिछड़े, शोषित, वंचित समाज के लोग हैं, जो रिजर्वेशन का फायदा नहीं उठा पा रहे हैं क्योंकि ये पद भरे नहीं जा रहे हैं, उनको भी राहत मिलेगी। तो ये पहला वादा है। दूसरा बड़ा वादा है आपकी पहली नौकरी पक्की। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि बहुत सारे युवा ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट बन जाते हैं हर साल, लेकिन उद्योग उनको हायर नहीं करते हैं। कॉर्पोरेट्स का कहना है कि टैलेंट डेफिसिट है, काबिलियत की कमी है। उस काबिलियत की कमी को पूरा करने के लिए अप्रेंटिसशिप एक्ट के चलते 1 साल के लिए 1 लाख रुपए पर 25 साल से कम ग्रेजुएट या डिप्लोमा होल्डर्स को अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम में लगाया जाएगा। करीब 8500 रुपए महीना वो कमाएंगे, काबिल बनेंगे रोजगार पाने के लिए। ये बड़ी बात है और जो भी इसका लाभ उठाना चाहेगा वो उठाएगा, लेकिन करीब करीब 1 करोड़ युवा इसके लाभार्थी होंगे। तीसरी बड़ी बात है पेपर लीक। पेपर लीक युवाओं के सपनों को चकनाचूर कर देता है, परिवारों को तबाह कर देता है। बच्चे पढ़ लिख के एग्जाम देते हैं, पेपर लीक हो जाता है, भविष्य में अनिश्चितता हो जाती है। ऐसे में ऐसा कानून बनाया जाए जिससे कि पेपर लीक माफिया के रूह कांप जाए और जवाबदेही तय हो, फेयरनेस हो, इसका बीड़ा कांग्रेस पार्टी ने उठाया है। और जानना जरूरी है कि करीब 2.5 करोड़ युवा हर साल कोई ना कोई परीक्षा देते हैं जिसमें से अधिकांश अब लीक होने लगी हैं। इसके बेनिफिशियरीज वो 2.5 करोड़ सालाना युवा होंगे। चौथी बड़ी बात है गिग वर्कर्स की। कौन है ये गिग वर्कर्स? वो जोमैटो का व्यक्ति जो घंटी बजाकर खाना दे जाता है, स्विगी का व्यक्ति, ब्लिंकिट का व्यक्ति, ऊबर वाला, ओला वाला, इनकी कोई सुरक्षा नहीं है। इनको कोई पीएफ, कोई ग्रेचुटी, बीमार पड़ने पे कोई सहायता, ये सब कुछ नहीं मिलता है। तो हमारा मानना है कि इनके आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा के लिए हम कानून बनाएंगे, प्रावधान करेंगे और इससे करीब करीब 1.2 करोड़ जो गिग वर्कर्स इस देश में है उनका फायदा होगा। और अंतिम बात है युवा रोशनी की। बहुत सारे ऐसे बहुत क्षमतावान युवा और युवतियां हैं पूरे देश में जो स्टार्टअप करना चाहते हैं, लेकिन उनको बिना कोलैटरल के फंडिंग नहीं मिलती, वो शार्क टैंक तक भी नहीं पहुंच पाते कि इस तरह का पैसा मिल जाए, तो वो मन महसूस कर रह जाते हैं। इसलिए 5000 करोड़ रुपए का एक स्टार्टअप फंड बनाया जाएगा जो कि 40 साल से कम युवा यूज कर सकते हैं। हर जिले को ये सुविधा दी जाएगी कि वो यूज करें और इसका बेनिफिट कम से कम 1 लाख स्टार्टअप उठाएंगे। तो एक बहुत बड़ी लकीर युवा न्याय के माध्यम से खींच दी है, क्योंकि चर्चा हर चीज की होने के बाद अंततोगत्वा चर्चा तो आपके भविष्य, आपकी नौकरी की होनी चाहिए। मैं आज जाते वक्त सिर्फ इतना कहूंगी, कहा गया है तलवारों की धारों पर इतिहास हमेशा बनता है, जिस ओर जवानी मुड़ती है उस ओर जमाना मुड़ता है। मेरे देश के युवाओं, एक उज्जवल भविष्य के लिए तैयार हो जाइए। आपने राहुल गांधी की ओर उम्मीद से और आशा से देखा था और उन्होंने ये परचम, ये बीड़ा उठा लिया है कि आपका भविष्य उज्जवल बनाना उनकी गारंटी है।